रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के डिप्टी गवर्नर जैफ बॉस्केन ने मीडिया नाल गलबात करदिआं कहा कि रिजर्व बैंक ने कोविड-19 के प्रभावों नूं घट करन लई लोन टू वैल्यू मामले में कुछ रियायतां दित्तियां सन ताकि न्यूजीलैंड की हाउसिंग मार्केट उपर यह समुचे ग्लोबली वर्तारे का प्रभाव ना पै सके। इस सारे करके न्यूजीलैंड की प्रॉपर्टी मार्केट और बैंक इस मंदी तो बचने कामयाब हुई हैं। हुण मार्केट अपने असल रूप में आनी शुरू हो गई है जिस करके रिजर्व बैंक विचार कर रही है कि जोखिम वाले कर्जे ना दिते जाण भाव कि लोन टू वैल्यू वाली कंध नूं ना टप्पिया जाए जिस लई रिजर्व बैंक मार्च 2021 तो लोन लैण वेले पहलां वर्गियां ही पाबंदियां लगा सकती है। इत्थे जिक्र योग है कि पिछले समय दौरान बैंक वालों इन्वेस्टर्स लई अपनी कंध नीवी कीती सी जिस सदका इस कंध नूं टप्पण लई लोकां दी कतार न्यूजीलैंड विच इतिहासिक हो गई सी जिस दे कारण न्यूजीलैंड दी रियल एस्टेट इंडस्ट्री इस समुचे आलमी आर्थिक पुतल विच अपनी थां तों खिसकण तों तां बच गई पर इस तरीके मार्केट विच पहलां कार खरीदण वाले लंबे हो गए सन जिस लई आर्थिक माहिरां ने संकटकालीन भविख दी पेशनीगोई तक कर दित्ती सी। दूसरा न्यूजीलैंड दीआं पार्लीमेंट चोणां विच लेबर दे सरकार बनाउण तों बाद लेबर दे अपने वोट बैंक दा वी दबाअ है कि मार्केट विच पहलां कार खरीदण वालियां नूं खड़न नूं थां मिले जिस करके शायद रिजर्व बैंक अपना अगला स्मार्ट मूव खेडण जा रही है कि हुण मार्केट विच जोखिम उपर कर्जे लैण वाले इन्वेस्टर्स नूं जिथे लगाम लई जावे उत्थे ही इनकम अनुसार लोन नूं कोख्या जावे जिस करके छोटे लोन मुड़ शुरू होण। इस बाबत रिजर्व बैंक वालों 17 नवंबर नूं एक सर्कुलेशन भी जारी किए जाने की संभावना देखी जा रही है जिस दे अनुसार बैंक अपनी नीतियां नूं मुड़ प्रभाषित कर सकदियां हन अते जिन्हां दा असर नवे वित्तीय वरे जानी मार्च 2021 तों देखण नूं भी मिल जाएगा।